इट सेज दैट अधिकतर मेटल का यदि एटॉमिक वेट हम देखें और उस मेटल के स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम में डिटरमाइन करें, स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 11th क्लास के लेटर पोर्शन में आप समझोगे। इट्स इनफैक्ट द हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ मेटल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम मेटल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम मेटल लिया जाए, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देना पड़ती है वही स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ग्राम ऑफ मेटल। 1 ग्राम मेटल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी कुछ हीट आपको देना पड़ेगी उसी को आप स्पेसिफिक हीट कहते हो। नाउ स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज पर ग्राम ली जाए, उसको मल्टीप्लाई यदि एटॉमिक वेट से करा जाए, देन दैट इज नियरली इक्वल टू 6.4। दिस इज डीलोंग एंड पेटिट्स लॉ, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेटल, एप्लीकेबल इट होल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। हाँ, कोई सवाल पूछ रहा था कुछ? नहीं, द थिंग इज कि वो मैं सिंपल सी कहानी बता रहा था जिसका प्रॉब्लम से कोई खास रिलेवेंसी नहीं। जो मैं कहानी बता रहा था, कौन से हॉल में आप? 202 में शोर क्यों हो रहा है जरा देखना एक बार, और जो शोर कर रहा है उसको समझाओ कि पहले एक बार बाहर निकल चुके हैं आपको, आप क्यों फिर वापस बाहर निकलना चाह रहे हैं? No. जो मैंने यूरेका यूरेका वाला बताया है वो सिंपल सी एक कहानी है, उस पर ज्यादा मत जाओ। उसका प्रॉब्लम से ठीक है, इट्स मतलब प्रॉब्लम वहीं से आया है, लेकिन प्रॉब्लम पर ध्यान दो, कहानी पर ध्यान मत दो, छोड़ो, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, इट्स द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है, इस चीज को हम मेजर करते हैं विद दिस टेम्परेचर। जब दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होता है और उन दोनों बॉडीज को थर्मली कनेक्ट कर दिया जाए, तब हीट ट्रांसफर होता है। वी यूज टू से दैट हीट इज रिजेक्टेड बाय अ हॉट बॉडी एंड हीट इज एक्सेप्टेड बाय अ कोल्ड बॉडी। एक गर्म बॉडी हीट को देती है और एक ठंडी बॉडी हीट को लेती है, और यह जो हीट का लेन देन है यह हमेशा तभी होता है जब बॉडी इसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो, और ना केवल टेम्परेचर डिफरेंस हो बल्कि दोनों बॉडी थर्मली कनेक्ट कर दी जाए। थर्मली कनेक्ट मतलब जिससे हीट ट्रांसफर हो सके। नाउ दिस टेम्परेचर इज मेजर्ड इन वेरियस स्केल्स, कई सारी स्केल बनाई गई है, कई सारी स्केल डिजाइन की गई है, जिसमें से 4 स्केल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल और डिग्री केल्विन स्केल।
एंड र्यूमर स्केल, डिग्री र्यूमर स्केल. यह चार स्केल हम देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो यह तीन स्केल इस्तेमाल होती हैं. र्यूमर स्केल का इस्तेमाल फिर भी इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है. और डिग्री फारेनहाइट स्केल का भी क्लिनिकल पर्पस में इस्तेमाल होता है. हमारे जेई में, एआई ट्रिपल ई में या हमारी जो एग्जाम है उसमें फारेनहाइट स्केल का भी इस्तेमाल नहीं होता है. हम अधिकतर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री एब्सोल्यूट स्केल का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का जो बेसिस है दैट इज वाटर. डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का जो बेसिस है दैट इज वाटर. वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया गया और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया गया. फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का जो टेम्परेचर है उसे 100 इक्वल पार्ट्स में 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया और एक एक डिवीजन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहा गया. नाउ जब सेंटीग्रेड स्केल डिजाइन हुआ था तब ऐसा माना जाता था कि वाटर का जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. मतलब पानी कम से कम टेम्परेचर पर भी दी जाएगा, अधिक से अधिक ठंडा भी आप करोगे पानी को तो वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा और वह आइस होगा. और पानी को यदि आप खूब गर्म भी करोगे तब भी वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा, ओपन एटमॉस्फियर, ऐसा माना जाता. और उसी बेसिस पर सेंटीग्रेड स्केल दिया गया. बट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है. फारेनहाइट ने डिस्कवर करा था कि पानी के अंदर यदि नमक डाल दिया जाए तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करा जा सकता है. और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है यदि उसमें नमक डला हुआ हो. उसी बेसिस पर पानी में नमक डालकर एक नया टेम्परेचर स्केल फारेनहाइट ने बनाया और उस टेम्परेचर स्केल को उसने फारेनहाइट स्केल कहा. डिग्री एब्सोल्यूट स्केल आप अगले 4-5 लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि डिग्री एब्सोल्यूट स्केल का क्या बेसिस रहा है और डिग्री र्यूमर स्केल का बेसिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स. प्योर वैक्स लिया जाए, प्योर वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट को और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बेसिस लेकर डिग्री र्यूमर स्केल बनाया गया. देखिए इस समय हमें किस तरह से इन स्केल को बनाया गया, किस तरह से इन स्केल को डिजाइन करा गया, इस बात से कोई खास मतलब नहीं. हमें मतलब है सिर्फ इन सभी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन से, कि किस तरह से इन टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन करा जाए. तो उस कन्वर्जन के लिए आप एक बात समझ लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में इट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को यदि हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट है. केल्विन स्केल में 273 केल्विन है.
और र्यूमर स्केल में 0 डिग्री र्यूमर है. While boiling point of water is 100 degree centigrade in centigrade scale, 212 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale, and 373 degree Kelvin in Kelvin scale and 80 degree Reaumur in Reaumur scale. And we used to say that temperature in degree centigrade minus 0 upon 100 minus 0 is equal to temperature in degree Fahrenheit minus 32 upon 212 minus 32 is equal to temperature in degree Kelvin minus 273 upon 373 minus 273 is equal to temperature in degree Reaumur minus 0 upon 80 minus 0, or degree centigrade upon 100 is equal to degree Fahrenheit minus 32 upon 180 is equal to degree Kelvin minus 273 upon 100 is equal to degree Reaumur upon 80. Is expression ko samjhe. Main isi ko derive karne ka tarika bhi bataya tha ki kaise yah expression aaya. Main isse obtain karne ka tarika bata raha hun. Dekhiye. पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं. देखिए इसी को इस एक्सप्रेशन को कैसे ऑब्टेन करा गया है इसका तरीका समझ लीजिए. हाँ आपने पहले राइट रॉन्ग लगाया था. मैं राइट रॉन्ग ये लगाए थे कि यह र्यूमर जो है हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो फारेनहाइट है इसे सिर्फ डॉक्टर्स लोग क्लिनिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम सिर्फ यह दोनों चीज इस्तेमाल करेंगे, डिग्री एब्सोल्यूट और डिग्री सेंटीग्रेड. सिर्फ यह आइदर वी कॉल इट डिग्री एब्सोल्यूट और वी कॉल इट डिग्री केल्विन, दे आर इन द सेम थिंग. उस टेम्परेचर स्केल को या तो डिग्री एब्सोल्यूट में लिखा जाता है या फिर डिग्री केल्विन में लिखा जाता है. देखिए दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. एक्स एक्सिस पर मैं टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट लिखता हूं और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 32 फ़ारेनहाइट. This is 32 Fahrenheit. And this point denote temperature in freezing point of water. Freezing point of water 0 degree centigrade or 32 degree Fahrenheit. इसी तरह से boiling point of water 100 degree centigrade 212 Fahrenheit. इधर होगा, इधर 0 degree centigrade है, इधर कहीं पर 100 degree centigrade होगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर कहीं पर 212 फ़ारेनहाइट होगा. तो इन दोनों पॉइंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट को लेकर यह पॉइंट, दिस डिनोट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट. 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट. While this denote 0 degree centigrade or 32 Fahrenheit. This is freezing point of water. This is freezing point of water and this is boiling point of water. This is freezing point and this is
बॉइलिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच में यह एक टेम्परेचर वेरिएशन। कहने का मतलब है सी डिग्री सेंटीग्रेड, दिस डिग्री सेंटीग्रेड कोरस्पॉन्ड टू दिस डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जरा देखिए, यह एंगल यदि थीटा है तो, यह एंगल यदि थीटा है तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा वुड बी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ एंड इट्स 212 माइनस 32 अपॉन 100 माइनस 0, 212 माइनस 32 y by x perpendicular by base, this is tan theta. Perpendicular is 212 minus 32, base is 100 minus 0. While tan theta can also be written, so this triangle, is triangle ke through bhi tan theta likha ja sakta hai, perpendicular upon base. Now what is this height or perpendicular? It's a degrees Fahrenheit minus 32 upon what is base? Degrees centigrade minus C. Now, tan theta should be equal to tan theta. 212 minus 32 upon 100 minus 0 is equal to degree Fahrenheit minus 32 upon degree centigrade minus 0. And I had obtained this expression. Note that. मैंने एक्सप्रेशन ऑप्टेन कर लिया। दिस हाउ वी हैव गॉट टेम्परेचर स्केल एंड दिस हाउ वी हैव गॉट दिस कन्वर्जन। जिस तरह से मैंने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन ऑप्टेन करके दिखाया है, इसी तरीके से हम डिग्री सेंटीग्रेड को रियूमर में, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके वह एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिए हैं जो मैंने इसके पहले लिखा था। और हमें सिर्फ इसी कन्वर्शन को ही सीखना है। मैंने आज आपको एक तो डेंसिटी बताई है, वॉल्यूम बताया है, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और टेम्परेचर। इसके बाद मैं दो लेक्चर्स और लूंगा जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रेशर कंसेप्ट बताऊंगा। मेरे नेक्स्ट दो लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। प्रेशर कंसेप्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि सचमुच में समझ में नहीं आता है, जिसको समझना बेहद आवश्यक है। अगले दोनों ही लेक्चर में मैं प्रेशर कंसेप्ट करा रहा हूं और उसके बाद में मोल कंसेप्ट करा के, और मैंने आपको समझा दिया है एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। एट दिस स्टेज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। द न्यू कंसेप्ट, the concept of pressure. Always denote it by P. And we define it as force per unit area. This pressure is defined as force per unit area. Now,
देखिए, फोर्स के बारे में आप कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। फोर्स की वजह से बॉडी एसीलरेट होती है, फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। पीयूष उसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसीलरेशन, ऐसा हम कहते हैं। और हम कहते हैं कोई सी भी इनर्शियल बॉडी फोर्स की वजह से एसीलरेट होती है, एंड द एसीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना अधिक फोर्स होगा उतना ही ज्यादा एसीलरेशन होगा। और पूरा मैकेनिक्स पढ़ने के दौरान, अभी आपको मैकेनिक्स काफी कुछ पढ़नी है, अभी तक सिर्फ आपने मोशन वन डी और मोशन इन टू डी ही पढ़ी है, इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स फ्रिक्शन चलेगा। पूरी मैकेनिक्स में हम बॉडीज पर फोर्स का इफेक्ट देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। हम कहेंगे कि दिस इज सम पार्टिकल, इट्स मास इज दिस, अ फोर्स इज एक्टिंग, व्हाट इज द एसीलेशन ऑफ वेलोसिटी, होने जाने का क्या चीज निकाली जाएगी। उस बॉडी पर तरह तरह की फोर्सेस के बारे में सोचा जाएगा और उन फोर्सेस का इफेक्ट सोचा जाएगा। अब इस स्टेज पर मेरा एक सवाल उठता है, क्या बॉडीज पर इफेक्ट सिर्फ उन पर लगने वाले फोर्स के द्वारा सोचा जा सकता है? क्या किसी भी बॉडी पर, बॉडी की स्थिति क्या बनेगी, क्या यह सिर्फ फोर्स पर ही निर्भर करता है? जरा सोचिए, मैं इस बोर्ड, इस बोर्ड को इस तरीके से हिट करूं, इस तरीके से मैं कोई थ्रस्ट लगाऊं या कोई फोर्स लगाऊं, अ फाइनाइट फोर्स इज एक्टिंग। अब इसी के अगेंस्ट जरा सोचिए, मैं इतना ही फोर्स लगाऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से। मैं क्या करता हूं, एक कील, नेल, एक बहुत जो शार्प नेल होती है, बिल्कुल तीखी तीखी जो कील है, ऐसी कील को या ऑलपिन को ऐसे रखूं और उसके बाद हथौड़ी के द्वारा इतना ही फोर्स ऐसे लगाऊं, सेम फोर्स। पहले मैंने फोर्स इस तरह से लगाया और फिर जो मैं फोर्स, जितना फोर्स मैं इस तरह से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मैं ऐसे लगाने के बजाय एक कील रख दूं और कील के द्वारा उसको ठोक कर इतना ही फोर्स लगाऊं। जरा सोचिए, क्या इन दोनों फोर्स का इफेक्ट सेम होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या इस दीवार पर, क्या इस बोर्ड पर उस फोर्स का इफेक्ट दोनों ही स्थिति में समान होगा? कभी नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस तरह से यदि कोई फोर्स लगा रहा हूं तो बोर्ड पर ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि इतना ही फोर्स एक कील रख के इस तरह से लगाऊं तो यू कैन इमेजिन कि क्या डिफरेंस आएगा, इधर एक छेद हो जाएगा इतने फोर्स पर। मैं इस बॉडी को ऐसे रखता हूं और ऐसे दबाता हूं, इस बॉडी को मैं इस तरह से रख रहा हूं और ऐसे दबा रहा हूं, और आप इसका इफेक्ट ऑब्जर्व करें, और इतना ही फोर्स मैं ऐसे लगाने के बजाय मैं इस तरह से लगाता हूं, और आप इसका इफेक्ट ऑब्जर्व करें। डेफिनेटली द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द टू केस इज डिफरेंट। इन दोनों ही केस में फोर्स का इफेक्ट में फर्क है, ना केवल फर्क है, बेहद फर्क। जरा सोचिए कि मैं आपके गाल पर, मान लीजिए इस तरह से हाथ घुमाऊं, इस तरह से मारूं, कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर पड़ सकता है, इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, फिजिकली तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसी के अगेंस्ट जरा सोचिए, मैं एक आलपिन लू, इतने ही फोर्स से वहां आलपिन आपके गाल पे जरा कर दो, इस बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो दूर की बात छोड़ो, इस बार फिजिकली बहुत कुछ हो जाएगा आपके। डेफिनेटली इन दोनों तीनों केस में जो अभी मैंने बताया, इन केस में सिर्फ फोर्स का इफेक्ट ही,
फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, इसके अलावा भी कुछ देखना होगा, इसके अलावा भी कुछ सोचना होगा। इस फोर्स के इफेक्ट में डिफरेंस क्यों है? इस वजह से है क्योंकि यह जो फोर्स लग रहा है इन सभी केस में इट्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरिया। इधर जब मैं इस तरह से इसको दबा रहा हूं तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने एक बड़े एरिया में, और उस फोर्स के इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से उसका इफेक्ट काफी कुछ कम हो गया, जबकि उतने ही फोर्स को यदि एक कील रख के मैं इस तरह से लगाता हूं तो एक कंसंट्रेटेड एक बहुत छोटे से एरिया में फाइनाइट फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का इफेक्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि एरिया बहुत कम हो। जब मैंने इसको इस तरह से दबाया था तो वही फोर्स काफी बड़े एरिया में लगा रहा था, लेकिन जब इस तरह से दबाया तो वह एरिया कम हो गया, उस एरिया के कम हो जाने से फोर्स का इफेक्ट बदल गया। कहने का मतलब है कि किसी भी फोर्स का इफेक्ट सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखकर ही नहीं बल्कि कितने एरिया पर लग रहा है यह भी देखा जाना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर वॉज कंसेप्चुलाइज्ड बाय पास्कल। पास्कल ने सबसे पहले प्रेशर का कंसेप्ट कंसेप्चुलाइज करा था और उसने कहा था जो फोर्स का इफेक्ट होता है वह उसके द्वारा लगने वाले प्रेशर को देखकर समझा जाना चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, इट्स एक्सप्रेस्ड बाय फोर्स अपॉन एरिया। नाउ इंटरेस्टिंगली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, वाइल प्रेशर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेशर, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताने की आवश्यकता है। यदि हम मैग्नीट्यूड नहीं बताए तो हमने फोर्स को सही तरीके से कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करा, यदि हम डायरेक्शन नहीं बताए तब भी हमने फोर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा। फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स एमजी एंड इट्स ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नाउ देयर इज अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाइल प्रेशर, ऑल्दो इट्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, प्रेशर को भले ही हमने फोर्स के टर्म्स में डिफाइन कर रखा है, येट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेशर बताने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, हमें कभी भी प्रेशर का डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। क्यों नहीं बताना पड़ता मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इस बात को नोट करें इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली डायरेक्शन, विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। नाउ दिस प्रेशर इज गिवन इन केजी पर मीटर स्क्वायर, दिस इज एमकेएस और एसआई यूनिट, सॉरी न्यूटन पर मीटर, केजी पर सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, मीटर किलोग्राम सेकेंड एमकेएस यूनिट में या फिर एसआई यूनिट में प्रेशर इज इट्स ऑलवेज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाइल
इट्स गिवन इन डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट्स. सीजीएस सिस्टम में डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स गिवन इन पाउंडल पर फिट स्क्वायर इन एफपीएस यूनिट. हम लोग रेयरली यह एफपीएस यूनिट इस्तेमाल करते हैं. ऑलमोस्ट आप कभी भी एफपीएस यूनिट इस्तेमाल करते ही नहीं हो. यह पाउंडल पर फिट स्क्वायर कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करते हो. आप हमेशा इस्तेमाल करते हो यह एमकेएस यूनिट और कभी कभी सीजीएस यूनिट. द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस यूनिट इज न्यूटन. द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट इज जाइंस. द यूनिट ऑफ फोर्स इन फुट पाउंडल एंड फुट पाउंड एंड सेकेंड एफपीएस यूनिट इज पाउंडल. नाउ जैसा मैंने आपको बताया है फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सीलरेशन. इस डेफिनेशन को क्या देखकर क्या आप मुझे बता सकते हो वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइंस. वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइंस. एक न्यूटन बराबर कितने डाइंस होना चाहिए. द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस यूनिट इट्स इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट. हाँ थोड़ा सोच समझ के जवाब दो. सर 10 टू पावर 5 दैट्स करेक्ट आंसर. देखिए वन न्यूटन इट्स ऑलवेज इक्वल टू वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज वन न्यूटन. वाइल वन डाइंस इट्स ऑलवेज इक्वल टू वन सेंटीमीटर ऑफ वन ग्राम सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर. वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज वन डाइंस. सबसे पहले डाइंस और न्यूटन को मास इनटू एक्सीलरेशन देखकर उनको डिफाइन कर दिया कि वन न्यूटन क्या होना चाहिए और वन डाइंस क्या होना चाहिए. अब देखिए वन न्यूटन जैसे हमने कहा है वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वन केजी की जगह मैं लिख सकता हूं थाउजेंड ग्राम्स. वन मीटर की जगह लिख सकता हूं मैं हंड्रेड सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर वही सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस दिस इज इक्वल टू 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हेंस दिस इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइंस. हेंस वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइंस. इस तरह के कन्वर्जन से यू शुड बी वेरी फेमिलियर विथ ऑल दिस कन्वर्जन. इस तरह के छोटे मोटे कन्वर्जन आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए. सिमिलरली नाउ कैन यू टेल मी वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर. द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एमकेएस यूनिट is equal to how many dynes in how many units in CGS units. 1 newton per meter square is equal to how many dynes per centimeter square. Zara soch samajh kar jawab dijiye please. That's correct answer. 1 newton per meter square equal to how many dynes per centimeter square. देखिए वन न्यूटन की जगह पर मैं लिखता हूं वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वन न्यूटन की जगह 10 to the power 5 डाइंस और वन मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट वन न्यूटन इज इक्वल टू
10 dynes per centimeter square. Observe the unit of pressure in MKS unit and how it's related to the unit of pressure in CGS unit. Now, pressure equal to force upon area. So force is a vector quantity of the जी हाँ sir area is a vector quantity of the जिसकी direction is normal to the plane. देखिए मैंने अभी अभी कहा है कि force definitely एक vector quantity है और प्रेशर डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा क्यों है यह थोड़ा होल्ड कर लो, मैं समझाऊ. नाउ वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल 10 डाइन सेंटीमीटर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चूंकि प्रेशर का कंसेप्ट पहली बार पास्कल ने कंसेप्चुलाइज करा था, इसीलिए जस्ट इन हिज ऑनर हम प्रेशर के लिए एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, दैट इज 1 पास्कल एंड इनफैक्ट इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट्स सेट टू बी 1 पास्कल. पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड दैट इज 10^5 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पास्कल इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर. जो पास्कल होता है इट्स इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु हैड कंसेप्चुलाइज इट एंड वी यूज टू से 1 पास्कल इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10^5 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. I'm extremely sorry. 10 होना चाहिए, डेफिनेटली आर डेफिनेटली करेक्ट. 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए. नाउ वी हैव गॉट अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, वी कॉल इट 1 bar. And 1 bar is always equal to 10^5 Newton per meter square or 10^5 Pascals. Bar is another unit of pressure and 1 bar it's always equal to 10^5 Newton per meter square or 10^5 Pascals. इस तरह का कोई यह ब्लॉक है, जिसका हाइट या वन ऑफ द एज लेंथ इज 5 meters, दिस एज लेंथ इज 3 meters एंड वन ऑफ द एज लेंथ इज 2 meters. The dimensions are provided. Now this is a rectangular block. 3 meter yaha is length, 2 meter yaha is length, 5 meter yaha is length. The density of the material is, let us say, 5.6. Now write all possible values of pressure on the horizontal surface. इस ब्लॉक को बिल्कुल एक बर्फ की सिल्ली के माफिक यह ब्लॉक है, बड़ी सी बर्फ की सिल्ली है. जो मैंने डायमेंशन दे रखे हैं उस हिसाब से तो बड़ी सी सिल्ली देख रहा है, बहुत बड़ी. 2 meter यह है, 3 meter यह है, 5 meter यह है. यदि इस ब्लॉक को और उसकी डेंसिटी दे रखी है आपको,
5.6. यदि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाता है देन राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रेशर. हाँ बोलो रेशम क्यूरी. हाँ 3, 5 और 2. अब इसको कितने तरीके से आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख सकते हो और अलग अलग तरीके से रखने पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या प्रेशर रहेगा उसकी पॉसिबल वैल्यूज बताइए. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नहीं ध्यान से सुने, आप काफी सारी गड़बड़ी कर रहे हैं, ध्यान से सुनो. सबसे पहले हमें इस क्यूब का वॉल्यूम पता कर लेना चाहिए, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज सम 30 मीटर क्यूब. मैंने सबसे पहले वॉल्यूम पता कर लिया. अब देखिए डेंसिटी को देखिए आप, डेंसिटी मैंने 5.6 दे रखी है. डेंसिटी यदि 5.6 दे रखी है और आगे कोई यूनिट नहीं लिख रखा है, डायमेंशनलेस तरीके से डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब है कि यह डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं है, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी एंड वी नीड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. नाउ एब्सोल्यूट रिलेटिव डेंसिटी इट्स डिफाइंड एज एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी ऑफ वॉटर. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, इट्स डिफाइंड एज एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर. नाउ वर्किंग इन एमकेएस यूनिट, मैं एमकेएस यूनिट में काम कर रहा हूं और एमकेएस यूनिट में ही काम करते रहना चाहता हूं, तो डेंसिटी ऑफ वॉटर मुझको एमकेएस यूनिट में देख लेनी चाहिए, दैट इज 10^3 kg/m³. दिस इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर इन एमकेएस यूनिट, हेंस द एब्सोल्यूट डेंसिटी इज रो इनटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, हेंस द एब्सोल्यूट डेंसिटी इज 5.6 इनटू 10^3 kg/m³. यह मैंने एब्सोल्यूट डेंसिटी सबसे पहले ली थी इस ब्लॉक की, kg/m³. नाउ वी यूज टू डिफाइन डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज एब्सोल्यूट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हेंस मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इट्स एब्सोल्यूट डेंसिटी दैट इज 5.6 इनटू 10^3 kg/m³ into its volume, that is 30 m³. Hence the mass of the block is 5.6 into 10^3 kilograms. This is the mass of the block. Now the force exerted by the block in vertical over the horizontal surface is equal to mg. Gravitational force यह block horizontal surface पर exert करेगा, that is equal to mg. M की जगह पर मैं लिखता हूं 5.6 into 30 into 10^3 kg, और g की जगह let's take g as 10 m/s². Hence, this force is equal to 5.6 into 30 into 10^4 kg/m², that is 5.6 into 30 into 10^4 newtons. This is the force exerted by the block on horizontal surface. Horizontal surface पर यह block इतना force exert करेगा. अब इस block को तीन तरीके से horizontal surface पर रखा जा सकता है. पहला तरीका होगा, हम यदि
बिल्कुल इसी तरह से रखे जिस तरीके से दिखाया हुआ है। 2 मीटर और 3 मीटर वाला जो फेस है, 2x3 2x3 वाला जो फेस है, उसको नीचे ग्राउंड पर रखे, तब जो प्रेशर P1 होगा, दैट इज फोर्स अपॉन, इफ दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन फोर्स अपॉन ए इंटू बी, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर, दैट इज 5.6 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय दिस न्यूटन बाय 6 मीटर स्क्वायर। सो दिस वुड बी इक्वल टू 6.5 2.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 2.8 bar। द अनदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन, यदि हमने फेस ए और सी को नीचे रखा, 2x5 वाला फेस नीचे रखा, तो ए इंटू सी दैट इज 5.6 × 30 × 10⁴ न्यूटन अपॉन 5x2 वाला फेस नीचे रखा है तो 10 मीटर स्क्वायर, एंड सो दैट इज 16.8 × 1.68 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.68 bar। एंड द थर्ड पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर P3 इज फोर्स अपॉन, यदि हमने 3x5 वाला फेस नीचे रखा, B और C फेस को नीचे रखा, तो B इंटू सी दैट इज 5.6 × 30 × 10⁴ न्यूटन अपॉन 15 मीटर स्क्वायर और 1.12 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.12 bar। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी लिख सकता था। मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कभी बात ही नहीं करी, अभी तो मैंने सिर्फ पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मैं अभी तक जानता भी नहीं। दिस आर द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, नोट डाउन द प्रॉब्लम। We have got a vessel of uniform cross section. This is a vessel of uniform cross section. Cross section area, let us say A. This is a vessel of uniform cross section area A. It's filled with a liquid of density rho. Is vessel ko एक लिक्विड से भर दिया गया है जिसकी डेंसिटी रो है अप टू हाइट h।
Now, we need to determine pressure at the bottom of vessel due to liquid only. अब देखिए वेसल के बॉटम पर कई तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, कई तरह की फोर्स की वजह से प्रेशर हो सकता है, लेकिन मुझे पता लगाना है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। यह एक वेसल है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। दिस इज अ वेसल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड इट्स फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसे किसी लिक्विड से भर दिया गया है जिसकी डेंसिटी रो है और हाइट एच तक भर दिया गया है। अब इस लिक्विड का कुछ वजन होगा, उस वजन की वजह से लिक्विड के वेसल के बॉटम पर कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर होगा। आपको मुझे बताना है कि वेसल के बॉटम में क्या प्रेशर लगेगा सिर्फ लिक्विड की वजह से। खास बात, वेसल के बॉटम में कई तरह की फोर्सेस लग सकती हैं, उन कई तरह की फोर्सेस की वजह से प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैं अलग अलग जो अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती है उन फोर्सेस को नहीं कंसिडर करना चाहता। मैं सिर्फ लिक्विड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसका वेट है, जिसकी वजह से वह वेसल के बॉटम पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को निकाल के, उसके वेट की वजह से फोर्स को निकाल के उस वजह से मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं। अब देखिए मेरा तरीका क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द वेसल विच इज वी and it should be always equal to the uniform cross section into height. The mass of liquid in the vessel is equal to, we always know that density equal to mass upon volume. Mass is equal to density into volume. This M should be equal to density into volume. Hence, density into A into H. This is the mass of liquid in the vessel. Now, what is the weight of liquid in the vessel? The weight of liquid in the vessel, this is equal to OMG. In fact, this is the force at the bottom. This is equal to MG or rho VG or rho AHG. This is the weight of the liquid. And this complete force is acting uniformly at the bottom of the vessel. Vessel ke bottom par yah force uniformly act karta hai. Is tarah se. The weight of the liquid, that is the force exerted by the liquid at the bottom.